जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमेशा उत्तर देने वाले उत्तर प्रदेश से मैं सुभाष जैन और मैं अंशु जैन आपका स्वागत करते हैं। अंशु, तुमको पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें जा समझ में आऊ कि यूपी में तो जैन धर्म के मान्य भाई है ही नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमारे भी बहुत सारी सहेलियों को जो ही लगत कि यूपी में तो कोई तीर्थ क्षेत्र है ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है क्या कि हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म यूपी की अयोध्या नगरी में हुआ था और यूपी के वाराणसी में भगवान सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और अयोध्या नगरी में ही भगवान अजितनाथ और अभिनंदननाथ का जन्म हुआ था। और आपको पता है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के यूपी में ललितपुर जिले में बहुत ही सुंदर अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी है। आपको पता है कि देवगढ़ जी 1500 वर्ष से भी पुराना मंदिर है। यहाँ पर अति प्राचीन यहाँ के मंदिरों में अति प्राचीन शिल्प कला देखने को मिलती है। यहाँ पर भगवान शांतिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा है और यह क्षेत्र ललितपुर से सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर है। आप सबको ललितपुर से वहाँ जाने की सभी सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ पे एक बहुत अच्छी धर्मशाला में है, बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त होता है जिससे आप लोग वहाँ के दर्शन का आनंद ले सकते हैं और वहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। जय जिनेन्द्र। और आप सब लोग से प्रार्थना है कि जब भी अवसर मिले आप लोग इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अवश्य करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।